परमेश्वर के प्यारे है तो गुरु के प्यारे सामने हो तो गुरु बख्शिश कर दे। जिम्मे भाई सन गुरमुख वीर सिंह धीर सिंह भाई दल ने की बेनती सचे पातशाह जी चमकौर साहब ते आनंदपुर साहब जंग च मैनू चेते कर दे। मैं साहबजादे की राखी कर दा। महाराज हस पाए कह लगे भाई दलिया ठीक है रब की नियति है। कहना नहीं चेते तो कर दे एडा भुलेखा सिख नू किथे गुरु को बख्शिश लेनी है किथे कहना मैनू चेते कर दे। महाराज कहने कोई नहीं ठीक है सिख है इसे तरह से इन्हें चिर भाई राम सिंह राइफल लेके आ गया। महाराज कहने लगे भाई दलिया असी आ राइफल परखनी अपने को सूरमा लिया सत्ते पातशाह बंदे से कम च मार लो जा कोई थेड़ी बना के तो मार लो बंदे ने मारनी है। महाराज कहे साडी राइफल बंदे तो चंगी परखी जाती है चंगा भी मैं लिया हाँ। सूरमा को गिरा सूरमा ने कहे चलो भाई एक सूरमा की करा सरदार जी कहे गुरु साहब ने राइफल परखनी है तो जेड़े नौकर सी कह लगे सरदार जी जंगलों से सानू रखे कि मरिया रखे है कानगी तारने गोली तरह खाली तो जानी नहीं तो सानू मल्ले मल्ले बना जंग च मरा देंगे। सारे जवाब दे दिता भाई डल्ला आ गया मुंह तलाजा करके सतगुरु जी कोई भी तैयार नहीं मरन फिर डल्ला तू तैयार हो जा तू राइफल अगे खड़ो जा। कहना सच्चे पातशाह न्यायी मौत अन्यायी मौत तो मैथों नहीं मरूगा फिर जंग च मैंने मारे तो मैं मर जावा। सतगुरु जी कह रहे चंगा हो कर और सामने तंबू लगा है साढ़े दो सिख है मारी सिखा आए उन्होंने नाम ही लेना वीर सिंह से धीर सिंह ना वैसे पर तू भी ना लेना तू जाके कहना कि तहू कल की तरने बुलाया तो राइफल परखनी है जा लैके आ ताई पहुंच गया डल्ला दस्तार अद्धी सजाई सी अद्धी अगर हाथ में सी बैठा पैसे वाले बथेरे हो गए बैठा फकरे में प्रेफर करमा चीज मिल गए। सो जो गुरु के प्यारे डल्ले ने जाके आवाज दिखी तो उस वे भाई वीर सिंह से धीर सिंह आए दौड़ के सब तो पहले आंदा मत्था टेक सतगुरु के चरणों से अब चौदह ने कई पंचा वाले वे ना सवेर का और जो दूरों होंगे पोता जो ला के ना अंदर का तो पिछे भी मुड़ जाते हैं सिर दुखना थले नहीं लगता गा तो गुरु ग्रंथ साहब ने मत्था नहीं टेकते पैसे का सिपाही उन्होंने बापू के चाचा चा कहने कहने बख्श लिया गुरु अगर मत्था नहीं टेकता गा सियाने का विचार है शीस नवाया चाह पर सब पात्र की पोत ताते शीस नवाइया लगा है दमकी चोत एडा भारी को मत्था टेकन का पर भारी गल आ गया सिंह आ गए मत्था टेके वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बुला के गलत परना पा के खड़े हो गए। पिता जी की हुक्म है भाई राइफल परखनी है सत बचन जी दस्तारा हाथ लेती है वे क्योंकि प्रेत ने गोलियां पा लिया बंदूक ने रखे मुंह किया कहू अंगूठे ने पार खड़े हो गए तो गला सामने बैठा गया अकाउंट को जरा कहने मैंने चेते कर दे मैं साहबजादे बचा लेंदा वह अज गला चौधरी बैठा है जो राइफल का मुंह थले किया चौकड़ी मार के बैठ गया कि राइफल का वार थले नहीं ना लंघ दे पास किता दौड़ के जाते एक दूसरे धक्का मार के सुट दे मेरे कोल ही बजे तुमने किरे वार लै जाने गुरु क्यों का जो पांच चार गए इस तरह किता मैंने हवाई फायर करता महाराज कह लगे डलिया सूर में सी चमकौर की गली वि आनंदपुर च तेरे वर्गे ने की करना से गोली अगे नहीं खड़ो सकिया वो भाई वीर सिंह धीर सिंह पुछदा तो सुनो तेन डर ना लगा वो गल पै गए कह लगे निकम्मे तेनू की पता है जे तू कि डल्ला सिंह बनया हों तो तेन पता हों सिखिया तेरे डल्ला मिलना ही है तू कृपान नहीं पाई अमृत नहीं छकिया करोड़ा जन्म धार के करोड़ा वरे तपस्या करिए पता नहीं कलगी तरगी खुशी होगी कि नहीं होगी जे कर गोली वज जाती भावे किन्ने भी पाप सी सारे झर जाने से सतखंड में जाना सी मुंह चंगे लैके डला बह गया पाचा पाप करना मना क्यों ना कलगी धर दे अगे खड़ो गया फिर कह रहे पीड़ी की जिन्ना थां दे दो महाराज कह रहे डल्ले नेड़े नहीं लगन देने तेन सतगुरु जी इन्हें गुस्से हो गए नहीं गुस्से नहीं
जो सतखंड पीरी जी ने था पालना तो अमृत छकना पैना जी मैं छकल अकला नहीं अमृत छकना तो सारे में छकना पेगा समेत परिवार के पांच सौ लेके बल्ले ने अमृत छकया पांच सौ लेके अमृत छकया मुशहरे ने दिता ता आ गया करिए घर के सामने नमस्कार की फतेह बुलाई पिता जी हम तो जगह मिल जाएगी पीरी की जिन्नी ता महाराज ने सिरे क्या सी गज के पढ़ दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े महाराज करे बल्ले तेने कले नु नहीं ते जिन्ने नु अमृत छकाया संगी साथी सगल तराई तेरे कुटुंब संग लोग कुल सुनाया तेरा कले ने किया सारे नु तार देंगे ए मार ने कृपा की है अज आप मार लो किन्ने के तरन वाले बने महाराज कृपा सवा सौ तो उपर छक ले पर जेड़े लियाए है उन्होंने पता नहीं की हो गया कि उन्होंने महाराज कृपा कर दी उन्होंने कोई साध सी एक घोर मंत्र सिद्ध किया घोर मंत्र सिद्ध करी का निष्ठा खा के अपने किरिया खा के तेरा बचन पूरा होने लग पैंदा है छेती वैसे बंदगी में होने लग पैंदा बंदगी वाला नहीं अगर कम करता पर जेड़े बहुत काले होंगे चीजा करते है एक कोई जात तुरा गया ना घोड़े ते चढ़िया ते साध को लंघे मत्था ना टेकिया ते घोड़ा मारता ओदा घोड़ा मारते पिछे वो जिमीदार ने देखा ये घोड़ा ना हौली हौली जा रहा है ते मार की ना दिता ये साह लगती जाता है तो जात ने ख्याल किया घोड़ा साहब ने मारे ने कुछ किया मत्था मुत्था टेक लिया मिलाजिए साहब ने घोड़े जा रहे नमस्कार की बाबा जी भुल गए जी गलती हो गई कहना मरवा के आ गया पहले ने मत्था टेकिया कहना बाबा जी भुल गए गांव टेक के लंघा करो साहब ने बिस्कार लिया जात ने जो घोड़ा जो गल हुई कह गए तेरे पास कि कहना मैं पंजा करमा तक कोई चीज मेरे अगे आ रही मैं हिलन नहीं दिता बाबा जी उदो परे उदो परे मेरी शक्ति नहीं सत मैं नहीं फिर मेरा घोड़ा जोंगा कर दो मैं गरीब मारिया गया तो साहब ने घोड़ा जोंगा करता जत मतलब खिला नहीं लगे चोर जत चढ़ गया घोड़े ते बवंजा करना नहीं व्यक्त गाला कड़न लग पा कहता साहब मेरा घोड़ा मर गया तो मेरा घोड़ा जोंदा हो गया तू दस भी तेरे पले तो गंदगी रह गई ने खाने तेरे पले की पिया तो परावे तुसी लिया गचे ते तुसी कीती सेवा खाने वाले खा के चले गए सुन वाले सुन के चले गए तुहाडे पले मैं दसो की पिया अपने कले पले की पिया जी अमृत नहीं छकिया ते सो सतगुरु गरीब ने सत्ते पातशाही कहने नाल कुरान का गिर गया सो इस तरीके जो कंडे हो रहा है शब्द सुन करके हर गुमिया लेना सामने दौड़ के आंदा है इसे तरह सतगुरु कलगी कर गए छकारी गए उपदेश रूपी कंडे हो शब्द में सुन के भाई वीर सिंह के पीर सिंह हरन की तरह दौड़ के सामने आंदे हैं।